गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने आपको प्रयोजनवाद के बारे में बताया, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया कि शिक्षा का उद्देश्य उसमें अस्थाई है कि अस्थाई है, उसी प्रकार आज अब इस वीडियो में हम जो है पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे कि प्रयोजनवादी विचारधाराओं को विचारधाराओं के अनुसार उनका पाठ्यक्रम कैसे तैयार किया गया था, किस पाठ्यक्रम के आधार पर जो है बालकों को शिक्षा दिया करते थे, इसके बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हम अगर शिक्षा का उद्देश्य बनाए हैं तो उद्देश्य हमारा तो यही है कि हमको पढ़कर नौकरी करना है या किसी बिजनेस में जाना है, उस हिसाब से हम अपने जो है अकॉर्डिंग जो है शिक्षा प्राप्त करेंगे या उसके अकॉर्डिंग जो है हम विषय वस्तु को निर्धारित करेंगे, विषय को पढ़ेंगे, तभी तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हर जो है दर्शनों के अपेक्षा देखा जाए तो प्रयोजनवादियों में जो पाठ्यक्रम बनाया गया था उस पाठ्यक्रम में जो है निर्धारित किया गया कि कैसे बालकों में आगे उनका विकास होगा और उनकी रुचि कैसे होगी। तो प्रयोजनवाद में पाठ्यक्रम को निम्नलिखित सिद्धांतों के माध्यम से क्या है समझा जा सकता है। तो सबसे पहला है कि पाठ्यक्रम में बालक की रुचि का सिद्धांत, तो हम पहले डाल लेते हैं प्रकरण हमारा क्या है प्रयोजनवाद में या पाठ्यक्रम प्रयोजनवाद के पाठ्यक्रम के बारे में या पाठ्यक्रम निर्धारित करना। तो प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम कैसे तैयार किया गया था। तो सबसे पहला जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया था उसके बारे में जो है हम आपको बतलाएंगे। तो पहला पाठ्यक्रम हमारा क्या है, पाठ्यक्रम में बालक की रुचि का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में बालक की रुचि का सिद्धांत, बालक के रुचि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत सिद्धांत इसके बारे में जो है हम आपसे बतलाएंगे। तो पाठ्यक्रम में बालक के रुचि के सिद्धांत के बारे में इस प्रकार से, मतलब जो प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार जो पाठ्यक्रम को तैयार किया गया था, तो सबसे पहला जो उनका सिद्धांत तैयार किया गया उसमें बालक की रुचि के बारे में देखा गया कि बालक की रुचि क्या होनी चाहिए, उस रुचि के आधार पर जो है हम पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे। जैसे बालक की जिसमें रुचि होगी पढ़ने की, उसी आधार पर हम उनका पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे। इस प्रकार से प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता था। तो प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक की रुचियाँ उसके विकास के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न होती हैं। जब पाठ्यक्रम की रचना करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए, जैसे उदाहरणार्थ में ले लीजिए प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों की खोज, रचना, कला प्रदर्शन और बातचीत में रुचि होती है, इसीलिए प्रारंभिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय रखे जाने चाहिए, जैसे पढ़ना लिखना गिनना, हाथ का काम, ड्राइंग और प्रकृत अध्ययन। कैसे, मतलब छोटे बालक जो होते हैं प्रारंभिक स्तर पर जो बालक होते हैं उनकी रुचि कैसी होती है, जैसे पढ़ना लिखना, जैसे कविताओं कहानियों के माध्यम से उन्हें पढ़ाना, हाँ रुचि इसमें रुचि बालक की होती है। जैसे कहानी आप जो भी बता रहे होते हैं या कहानी उनके रुचि के अनुसार उनको कहानी बताएंगे तो उनमें उनका जो है रुचि अधिक बढ़ेगा, उससे उनका पढ़ना लिखना उनको समझ में आएगा। गिनना, किसी अकाउंटिंग कराना, जैसे मान लीजिए गिनती है कोई जो है टेबल है पढ़ा रहे हैं आप उसे पढ़ाइए,
और साथ ही साथ हाथ का भी काम करवाइए उसमें। उसमें बच्चों का बड़ा रुचि होता है हाथ में, हाथ से काम करने की, जैसे कोई कार्य है या ड्राइंग कराइए आप। इस इन सब चीज़ों में बच्चों की रुचि कैसे होती है, बहुत अधिक होती है। तो जब अधिक होती है तभी बच्चे का जो है शिक्षा के ओर जो है उसका ध्यान अधिक होगा और वह जो है उसमें रुचि लेगा, तभी तो शिक्षा का विकास हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने पहले पाठ्यक्रम में ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखा, बच्चे के अकॉर्डिंग ही जो है पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए, जिससे बच्चे का रुचि अधिक से अधिक हो सके और वह जो है शिक्षा के प्रति उसका ध्यान जाए। और जब शिक्षा के प्रति जब ध्यान जाएगा तो बच्चा ज़रूर इसमें रुचि लेगा। इस प्रकार से जो है बालक के रुचि के बारे में बात कही गई है, रुचि के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार जो है पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। तो दूसरा है, अभी हम दूसरा देख लेते हैं किस प्रकार से पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। दूसरा पाठ्यक्रम है शिक्षा में उपयुक्तता का सिद्धांत। दूसरा है शिक्षा में उपयुक्तता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। इस प्रकार से जो है उन्होंने ये बताया कि शिक्षा में जो उपयोगी चीज़ें हों वही रखा जाए, तो इससे बच्चे में, मतलब जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया तो पाठ्यक्रम में ये देखा गया कि जो शिक्षा में उपयोगी हो उसी को रखा जाए, उसी को बताया जाए तो बेहतर होगा। इससे शिक्षा का स्तर अधिक बढ़ेगा और बच्चों में विकास भी अधिक से अधिक हो पाएगा। इस प्रकार से उन्होंने जो है आवश्यकताओं के अनुसार, हमने बताया था जैसे कि जो आवश्यकताएं होंगी या जो उपयोगी होगी बच्चों के लिए वहीं से पाठ्यक्रम में रखा जाएगा, जिससे कि बच्चे अपने अनुसार जो है उसे पढ़ सकें, उनकी क्षमता उनकी इच्छा हो उस चीज़ के बारे में, तभी उसका जो है अच्छे से स्मरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है शिक्षा की उपयोगिता का भी सिद्धांत में रखा गया है। आगे हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं, जैसे ये मनुष्यों के उद्देश्यों और इच्छाओं की पूर्ति पर बल देते हैं, इसलिए उनको कहा गया कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषय होने चाहिए जो बालक को उसके वर्तमान और भावी जीवन के लिए तैयार करे। हमने कहा ना कि बालक के भावी जीवन को जो तैयार कर सके, जो उनके लिए उपयोगी हो, जो भविष्य बना सकता है, इसी प्रकार से जो है पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए, जिससे कि बालक में किसी भी प्रकार की जो है उनके भावी जीवन में परेशानी न हो, आगे चलकर उन्हें उस शिक्षा से किसी प्रकार का शिकवा ना हो, इस प्रकार से पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए, इस तरह पाठ्यक्रम को बताया जाए। इसलिए उन्होंने उपयोगिता का सबसे बड़ा ध्यान दिया है। अतः उनके अनुसार पाठ्यक्रम में भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित विज्ञान और शारीरिक परीक्षण के स्थान दिया जाना चाहिए। हमने कहा ना जैसे भाषा हो गया, साहित्य हो गया, गणित हो गया, इंग्लिश हो गया और जो है विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, शारीरिक परीक्षण हो गया, इस सब पर विशेष मतलब ये इस प्रकार की उपयोगिता को शिक्षा में रखा जाए, तभी तो शिक्षा का विकास हो पाएगा, तभी बालक जो है इसे पढ़ सकेगा। इस प्रकार से जो है उन्होंने उपयोगिता के बारे में बताया था। आगे भी बहुत सारे पाठ्यक्रम को उन्होंने बताया, जैसे मान लीजिए कि आप शिक्षा में उपयोगिता का सिद्धांत को तो बता दिए, जैसे विज्ञान हो गया, गणित हो गया, ये सब सारी चीज़ों को रख दिया जाए। हाँ, और बालिकाओं के लिए, ठीक, ये तो बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों के लिए था, लेकिन खासकर मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ ये था कि बालिकाओं के लिए क्या रखना चाहिए, गृह विज्ञान। गृह विज्ञान होना
बहुत ही जरूरी था। गृह विज्ञान से क्या है कि गृह विज्ञान में लड़कियों को हर चीज़ सिखाया जाएगा जिससे कि उन्हें उनका भावी जीवन तैयार हो सके। गृह जीवन में कढ़ाई है, सिलाई है, भोजन बनाना है, कितना कौन सा चीज़ बनाना है, कितने लोगों को बनाना है, ये सारी चीज़ें भी रखा जाए। बालिकाओं के लिए क्या होना चाहिए, गृह विज्ञान होना चाहिए, उपयोगी है उनके लिए, ये भी विषय उसमें सिद्धांत में शिक्षा में रखा जाना चाहिए। तो इसके स्थान पर बालकों के लिए कृषि विज्ञान होना चाहिए। जैसे लड़कियों के लिए क्या हो गया, गृह विज्ञान, तो और लड़कों के लिए क्या होना चाहिए, कृषि विज्ञान। लड़कियां घर के काम में उनको सिखाया जाएगा और लड़के को बाहर मतलब कृषि के क्षेत्र में उनको जो है सिखाया जाएगा, कैसे खेती किया जाएगा, कैसे उगाया जाएगा, कैसे काटा जाए, मतलब ये कृषि विज्ञान लड़कों के लिए होना चाहिए और लड़कियों के लिए गृह विज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से शिक्षा में ये उपयोगी चीज़ है, इसे भी हमें शिक्षा के अनुसार रखना चाहिए। ये बच्चों का भविष्य तैयार कर सकता है, भावी जीवन उसका बना सकता है। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा में उपयोगिता को महत्व दिया। लड़कियों के लिए गृह विज्ञान, लड़कों के लिए कृषि विज्ञान का जो है उन्होंने महत्व दिया। यह सिद्धांत भविष्य के लिए किसी व्यवसाय का परीक्षण की आवश्यकता मानता है। यह इस बात को भी मानता है कि अध्ययन के विषय इस दृष्टिकोण से चुने जाए कि वे जीवन की वास्तविकता या वास्तविक समस्याओं को हल करने में सहायता दें। यह सिद्धांत ज्ञान के मुख्य उद्देश्य मानव प्रगति की अवहेलना नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो है कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कृषि विज्ञान है तो कृषि विज्ञान में अगर उनकी रुचि होगी, वो पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि सबका विकास होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में वह जाएगा वहाँ पर बालक क्या करेगा, उसमें जब पढ़ेगा, ज्ञान उसे प्राप्त होगा, तभी वह किसी कार्य को किसी क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कर पाएगा, उसका व्यवसाय कर पाएगा, उससे उनकी भावी जीवन तैयार हो पाएगा। इस प्रकार से उपयोगिता के सिद्धांत में जो है शिक्षा में उपयोगिता के सिद्धांत में ये विषय रखा जाए और यह इनके लिए आवश्यक भी है। और व्यवसाय परीक्षण ये सारी चीज़ें इनके जीवन को अच्छा बना सकता है, प्रगति कर सकता है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से जो है पाठ्यक्रम को तैयार किया है। तो ये प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार और भी सारे पाठ्यक्रम को उन्होंने बताया है, इसके बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हम जो है तीसरे सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। पाठ्यक्रम के तीसरा सिद्धांत है जीवन में बालक के अनुभव का सिद्धांत। जीवन में तीसरा है जीवन में बालक के अनुभव का सिद्धांत। बालक के अनुभव का सिद्धांत अनुभव का सिद्धांत। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि बालक में जीवन में अनुभव का क्या सिद्धांत है। जैसे बालक क्या अनुभव कर रहा है, क्या सीख रहा है, इसके बारे में उनके जीवन में क्या अनुभव है शिक्षा को लेकर, इसके बारे में प्रयोजनवादी विचारधारा। इस विषय पर प्रयोजनवादियों का कहना है कि पाठ्यक्रम का बालक के अनुभवों का भावी व्यवसाय और क्रियाओं के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। जैसे बालक का जो पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं वो व्यवसायों और क्रियाओं का जो संबंध होना चाहिए, उसमें अनुभव जो होना चाहिए उनका बालक का, व्यवसाय और क्रियाओं के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, बहुत घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इसका कारण यह है कि जैसे ही यह संबंध अस्थायी हो जाता है, बालक अपनी इच्छा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित हो जाता है। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सामान्य विषयों के साथ साथ पाठ्यक्रम में स्वतंत्र अर्थपूर्ण और सामाजिक क्रियाओं का भी स्थान होना चाहिए। प्रयोजनवादियों का मानना है कि अनुभव क्रिया पर आधारित है, अतः अनुभव एवं क्रिया पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस प्रकार प्रयोजनवाद अनुभव केंद्रित व क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम देना चाहता था।
कैसा पाठ्यक्रम देना चाहता था? अनुभव पाठ्यक्रम और क्रिया संबंधी पाठ्यक्रम देना चाहता था। जैसे इस प्रकार से अनुभव केंद्रित होना चाहिए और क्रिया केंद्रित होना चाहिए। जब बालक की अनुभव जिस चीज़ में हो जाएगा, धीरे धीरे वह सीखते सीखते सीख लेगा, तो वह क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। और जब अस्थाई हो जाएगा तब उसमें जो है बालक क्या होगा कि उसकी जो क्रिया होगी वह केंद्रित होने लगेगी। तो इसलिए जो है प्रयोजनवादी विचारधारा ने अनुभव केंद्रित और क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को तैयार करने के बारे में उन्होंने सिद्धांत दिया था। इस प्रकार से पाठ्यक्रम को तैयार किया जाएगा जिससे कि अनुभव का जो है अनुभव केंद्रित हो जाए और जो है क्रिया केंद्रित हो जाए। इस प्रकार से पाठ्यक्रम में के बारे में जो है बताया गया था। अब आता है चौथा है शिक्षा में एकीकरण का सिद्धांत। चौथा हमारा कौन सा सिद्धांत है? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण एकीकरण का सिद्धांत। देखिए एकीकरण का जो सिद्धांत है उसमें ये ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने की बात की कि जिसमें एकीकरण हो। जैसे यह दर्शन बुद्धि की समग्रता और ज्ञान की अखंडता में विश्वास करता है, अतः इनका कहना है कि वास्तविक ज्ञान अखंड होना चाहिए। यही कारण है कि वे पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में बांटने के पक्ष में नहीं हैं। हमारे इस कथन की पुष्टि रॉस के इन शब्दों से हो जाता है। जैसे प्रयोजनवादी हैं तो प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में विषयों के परंपरागत विभाजन की निंदा करते हैं। एक विषय को दूसरे विषय से कठोरतापूर्वक अलग करने की भावना का अंत किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि मानव क्रियाएं महत्वपूर्ण न कि विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय और उनके द्वारा सीखने के लिए दी जाने वाली सामग्री। अलग अलग विषय पढ़ने के बजाय छात्र को वह सब प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसका इस क्रिया से संबंध है, जिसे वह कह रहा है। साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवादी लाभप्रद लचीला गतिशील संबंध पाठ्यक्रम चाहते हैं। कुछ का कहना है कि क्रियाएं शिक्षा को जीवन जैसी बनाने और जीवन को सत्य की प्राप्ति योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से एकीकरण की बात उन्होंने कहा कि हर विषय अलग अलग नहीं होना चाहिए, सब एकीकरण होना चाहिए। इस पर उन्होंने सिद्धांत को लागू किया कि इस प्रकार से हम पाठ्यक्रम को अगर तैयार करते हैं तो इसमें लचीलापन और लाभप्रद और गतिशील पाठ्यक्रम तैयार होगा। इससे बच्चों का भावी जीवन अच्छे ढंग से तैयार हो सकेगा और वह किसी भी प्रकार से पाठ्यक्रम को जो है सीखने में उनकी जो रुचि है और जो उनका संबंध है उनके क्रियाओं से वह घनिष्ठ हो पाएगा। और वह विश्वास किस में रखते हैं? ज्ञान की अखंडता में विश्वास रखता है प्रयोजनवाद। मान करो ज्ञान है, ज्ञान की अखंडता है, तभी वो जो है उसमें विश्वास रखता है। और स्कूल के ज्ञान से नहीं बल्कि मानवता के ज्ञान से जो है उसके बारे में उन्होंने प्रयास करने की बात कही है। अगर इंसान को इस चीज़ का भी अगर अच्छे से पता हो कि वह उस किसी भी विषय में के बारे में ज्ञान को समझ रहा है या ज्ञान की प्राप्ति को अखंडता को मान रहा है, तभी वह जो है इस सिद्धांत को या प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम जो तैयार किया गया है उसमें अपनी रुचि को बता सकता है। तो अब हम देखेंगे कि प्रयोजनवाद तथा शिक्षण विधियाँ क्या हैं। अभी तक तो हम देख रहे थे कि पाठ्यक्रम ऐसे तैयार किया गया, लेकिन अब हम देखेंगे कि प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षण विधि, मतलब जो पढ़ाने की प्रशिक्षण दी जा रही है, शिक्षण किस शिक्षण के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि प्रयोजनवाद तथा शिक्षण विधियाँ, प्रयोजन वाद तथा
शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियाँ, तो हम शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। प्रयोजनवाद हमें शिक्षण की विधियों में अत्यधिक सहायता देता है और इसकी उपयोगिता को सभी लोग स्वीकार भी करते हैं। यह परंपरागत शिक्षण विधियों को अस्वीकार करता है। जैसे रॉस ने इस संबंध में लिखा है कि यह हमें चेतावनी देता है कि अब हम प्राचीन और घिसी पिटी विचार प्रक्रियाओं को अपने शैक्षिक व्यवहार में प्रमुख स्थान न दें और नई दिशाओं में कदम बढ़ाते हुए अपनी विधियों में प्रयोग करें। तो इस प्रकार से जो है रॉस ने कहा है कि जैसे पाश्चात्य है घिसी पिटी जो है प्रक्रियाओं में हम अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि हम नए चीज़ों का ज्ञान देंगे या नई चीज़ों के माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार से शिक्षण विधियों को उन्होंने तैयार किया। सबसे पहला है करके अथवा अनुभव द्वारा सीखना। पहला है करके तथा अनुभव द्वारा सीखना। अनुभव द्वारा सीखना करके तथा अनुभव द्वारा सीखना। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षण विधियों को बताया है। जैसे साधारण करके मतलब बालक स्वयं करे, या अनुभव किसी को देख कर सीखने की प्रक्रिया पर उन्होंने बताया कि शिक्षण विधि होनी चाहिए। इस प्रकार से विधियां होनी चाहिए शिक्षण की कि वह कर स्वयं करने की जिज्ञासु हो और अनुभव के द्वारा जो है सीखें। तो इसमें साधारणतः प्रयोजनवाद विचारधारा के बजाय कार्य पर बल देता है। यह सिद्धांत और व्यवहार को एक दूसरे से अलग नहीं मानता है। प्रयोजनवाद की शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि बालक को वे सब बातें पढ़ा दी जाए जो उसको जाननी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उसे प्रयोग और रचनात्मक क्रिया तथा या द्वारा अपने विभिन्न बातों को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अतः रॉस के अनुसार प्रयोजनवादी शिक्षण विधि का दूसरा सिद्धांत यह हो सकता है कि करके सीखना है अनुभव द्वारा सीखना। प्रयोजनवाद के अनुसार प्रत्येक की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वह है जो बालक स्वयं कार्य करके प्राप्त करता है। इस सिद्धांत की सत्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती, पर यह आवश्यक है कि इसका अर्थ केवल यह नहीं कि व्यवहारिक कार्य को महत्व दिया जाए और उसको सब विषयों की शिक्षा का आधार बनाया जाए जिनका वह सामना करना चाहता है। इस प्रकार से जो है शिक्षण विधि को तैयार किया जाए। अब आता है शिक्षण अधिगम का उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम का दूसरा है शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम का उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। इसमें भी शिक्षण अधिगम की बात कहा गया है। जैसे प्रयोजनवाद इस विचार के विरुद्ध आवाज़ उठाता है कि बालक के साथ अपने गुरु के चरणों में बैठे और जो कुछ वह पढ़ाना चाहता है उसे पढ़े। यह नहीं चाहता कि बालक दूसरों के द्वारा दिए ज्ञान को प्राप्त करे। इसके विपरीत प्रयोजनवाद चाहता है कि बालक स्वयं ही ज्ञान और योग्यता प्राप्त करे, जिससे कि वह वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। ये इस चीज़ का विरोधी है, सीधे विरोध कर रहा है कि वह गुरु को नहीं बल्कि खुद स्वयं वो अपने ज्ञान को समझे, वास्तविकता को समझे, जिससे कि वह किसी भी क्षेत्र में या किसी भी विषय में अपना
शिक्षा का आधार बना सके, सामना उसका कर सके, ऐसे परिस्थितियों का जो है सामना कर सके सफलतापूर्वक, इस प्रकार से उनको जो है तैयार करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने शिक्षण विधि को बताया कि इस माध्यम से शिक्षा देना चाहिए, न कि गुरु के चरणों में बैठकर जो गुरु पढ़ा रहा है वहीं शिष्य जो है पढ़ेगा, नहीं, उन्हें स्वयं पढ़ना चाहिए, स्वयं ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, स्वयं अपने आप को तैयार करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने जो है इस शिक्षण विधि को बताया है। अगला, जैसे इस प्रकार राष्ट्र के अनुसार प्रयोजनवादी शिक्षण विधि का पहला सिद्धांत हो सकता है सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बालक अपनी इच्छाओं, रुचियों और रुझानों के अनुसार किसी उद्देश्य का लक्ष्य प्राप्त करे। इस प्रकार से शिक्षण अधिगम का उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत माना जा रहा है। फिर आता है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के एकीकरण का सिद्धांत, उन्होंने एकीकरण का भी सिद्धांत को बताया था। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षण अधिगम की एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम में एकीकरण प्रक्रिया का सिद्धांत सिद्धांत। इस प्रकार से अधिगम की बात हो रही है, जैसे आप एकीकरण का जो सिद्धांत है इसमें दिया गया, शिक्षण प्रक्रिया में एकीकरण का सिद्धांत। इस विषय में प्रयोजनवाद का कहना है कि सीखना अखंड होना चाहिए। उनका कहना है कि यद्यपि ज्ञान के अनेक पहलू हैं फिर भी उसमें एकता है, इसलिए ज्ञान को खंडों में नहीं बांटा जाना चाहिए। इससे बालक को विभिन्न सूचनाओं के रूप में खंडों या टुकड़ों में नहीं दिया जाना चाहिए। अतः प्रयोजनवादी शिक्षण विधि का तीसरा सिद्धांत यह हो सकता है कि सीखने की प्रक्रिया का एकीकरण, अर्थात बालक को जो भी विषय पढ़ाया जाए उसका शिक्षण विधि द्वारा एकीकरण और सम्मोहन किया जाए। हम उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर कह सकते हैं कि प्रयोजनवादी शिक्षण विधि की निम्नलिखित बातों को जानना चाहिए। जैसे पहला है बालकों की रुचियों में योग्यताओं को जानना चाहिए। किसी विधि को अपनाने और पूर्व जीवन की वास्तविकता परिस्थिति को अध्ययन किया जाना चाहिए। शिक्षण सामग्री की एकीकरण रूप में प्रस्तुत की जाने करने जाने के कदम उठाने जाने चाहिए। इस प्रकार से जो है उन्होंने एकीकरण सिद्धांत के बारे में जो है बात कही है। और आगे आप देख सकते हैं इनमें किस प्रकार से जो है सिद्धांत को बताया है। इसी प्रकार से जो है शिक्षण विधि होनी चाहिए जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अलग अलग होने से उनमें खंडों का ज्ञान अलग अलग होगा, इसलिए ज्ञान पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्ञान जब भी दिया जाए एक साथ दिया जाए, एकीकरण होना चाहिए, उसमें जो है समावेश होना चाहिए एकीकरण का। तो अब हम देखेंगे प्रयोजनवाद में शिक्षक क्या है। तो जैसे आपने देखा कि एकीकरण है, तो इसी प्रकार उन्होंने अपने पाठ्यक्रम को तैयार किया था। अब हम बताएंगे कि प्रयोजनवाद में जो है शिक्षक का क्या महत्व है। अपनी शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षक बालक और उसकी क्रियाओं पर, उनकी रुचियों पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षक का कर्तव्य है कि उनको अपने द्वारा ज्ञान नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर बालक स्वयं सीखना चाहता है, करके सीखना चाहता है, तो उसमें उनका जो है सहयोग करना चाहिए शिक्षकों को। इस प्रकार से जो है शिक्षक का जो है जो स्थान होना चाहिए और उनमें अनुशासन भी इसी प्रकार से होना चाहिए, जिससे बालक में किसी प्रकार से अगर उन्हें कोई गलत नज़र आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है उसमें उनका सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार से प्रयोजनवाद में शिक्षक का स्थान है। उनकी शिक्षा योजना में अध्यापक का स्थान पथ प्रदर्शक और सलाहकार का है। उसे सामाजिक वातावरण माना जाता है। उसे यह आशा की जाती है कि वह बच्चों के साथ सहानुभूति और व्यक्तिगत संपर्क रखें और ऐसे संपर्क में उनका सामाजिक आदतों, सामाजिक रुचियों और सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास करें। यहाँ पर शिक्षक का महत्व निम्नलिखित दो बातों से, जैसे उसे अपने छात्रों को उचित समस्याओं वाली परिस्थितियों में रखना पड़ता है, उसके
उसे कहानी रुचियों की ओर इस प्रकार प्रेरित करना चाहिए कि वे समस्याओं को कुशलता, बुद्धिमानी और सहयोग से हल कर सकें। इस प्रकार से शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए। अतः प्रयोजन अनुशासन, यह दर्शन प्रयोजनवाद व अनुशासन, यह दर्शन बाह्य अनुशासन शिक्षकों के श्रेष्ठ अधिकारी और शारीरिक दंड की निंदा करते हैं। अन्य शब्दों में व्यक्तिगत अनुशासन के सभी रूपों को बुरा बताते हैं। प्रयोजनवादियों का कहना है कि अनुशासन सामाजिक समझदारी पर आधारित होनी चाहिए। उनके अनुसार विद्यालय को बालक के आवेगों को सहयोगी क्रियाओं द्वारा उत्तेजित करना चाहिए। इस स्थिति में अनुशासन उचित होने के साथ साथ सामाजिक भी होगा। इस दर्शन के अनुसार अनुशासन की स्थापना के लिए बालक की रुचियों और क्रियाओं पर बल देते हैं। उनका मत है कि क्रियाएं सहयोगी और सामाजिक होनी चाहिए। इस प्रकार की क्रियाएं आत्म अनुशासन को जन्म देती है और इस प्रकार का अनुशासन नैतिक तथा चारित्रिक शिक्षण प्रशिक्षण की ओर अग्रसर करती है। तो आज के लिए प्रयोजनवाद में इतना ही। आज प्रयोजनवाद को हम समाप्त करते हैं। ये हमारे पाश्चात्य विचारधाराओं के अनुसार जो है आदर्शवाद, प्रकृतवाद और प्रयोजनवाद के बारे में हमने आपको बताया। अब हम अगले वीडियो में आपको भारतीय विचारधाराओं के अनुसार शिक्षा के बारे में, जो है शिक्षा के उद्देश्य के बारे में या क्या उनका विचारधारा था नैतिक अनैतिक को लेकर, उसके बारे में जो हम आपको बतलाएँगे। आज के वीडियो में बस इतना ही और धन्यवाद।